नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित सिलेक्शन मेंटर पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैथ्स का ये पहला सेशन जा रहा है एमसीक्यूज का। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैथ्स तो लिखा ही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिलेक्शन मेंटर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसकी ये आईडी है। तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए और लोगों को ज्वाइन होने का मौका दीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी हमारे लेक्चर्स हों उसके बारे में पता चले, किस तरह से लेक्चर हो रहे हैं, कैसे एमसीक्यूज आ रहे हैं, किस किस टाइम पे आ रहे हैं। ये जो है हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, इसको भी ज्वाइन करिए। और ये फेसबुक हमारा सिलेक्शन मेंटर का आईडी है, ठीक है। तो जल्दी से इसको ज्वाइन करिए और लोगों को शेयर भी करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसको लोगों शामिल हो पाए और इसमें ज्वाइन हो पाए और उनको भी लाभ मिल सके, ठीक है। तो और आप देख ही रहे हैं यहां पर वीरज सर का फोटो लगा हुआ है सिलेक्शन मेंटर पर। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और इस मौके का फायदा उठाइए, क्योंकि सारी परीक्षाएं आपकी आ ही गई हैं, आपने देख ही लिया है सारी परीक्षाएं। जैसे लेखपाल भी होने वाला है, यूपी पुलिस भी होने वाला है, सारी परीक्षाएं हैं, सभी लोगों ने उसका पीईटी का एग्जाम भी दिया होगा, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यानी आज जो हमारा पहला सेशन है एमसीक्यूज का, वो किसका है? बेसिक्स का, मैथ का जो हमारा बेसिक है उसका है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक काम करिएगा, एमसीक्यूज हैं यानी ऑप्शन भी होंगे, और जब ऑप्शन होंगे तो करना क्या होगा आपको, 5 सेकंड का समय देंगे आपको, 5 या 10 सेकंड का समय। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इतना हैवी क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो आपको करने हैं। और करने के बाद करना क्या है आपको, तुरंत उत्तर देना है, ठीक। हालांकि ये लेक्चर तो आपको रिकॉर्डिंग मोड पे मिलेगा, लेकिन फिर भी आप समझिए, इसको पॉज करके देखिएगा और करने का प्रयास करिएगा जल्दी, 10 से 15 सेकंड में, ठीक। और इसको जल्दी से जल्दी पहले शेयर कर दो लोगों को, इतने लोगों तक पहुंचा दो कि इसमें भीड़ आ जाए, बिल्कुल धक्का मुक्की करनी पड़े देखने के लिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे, ये है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, ठीक है। यदि इनके सरों की संख्या 200 और उनकी टांगों की संख्या 580 है, तब कबूतरों की संख्या बताइए। देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स इन अ बर्ड हाउस। यहाँ देखो क्या लिखा हो, चिड़ियाघर, बर्ड हाउस, यानी यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, जू, है ना। चलो कोई बात नहीं। इफ द नंबर ऑफ देयर हेड्स इज 200 एंड द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 580, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पिजन्स, यानी आपको कबूतरों की संख्या बतानी है। ऑप्शन हमारे पास ये है, 90 है, 100 है, 110 है और 120 है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करने का प्रयास करिए, इसको पॉज करिए और जल्दी करने का प्रयास करिए, देखिए हो सकता है आपसे हो जाए। देखो एक चीज ध्यान रखना, ओरली है क्वेश्चन और सब ओरली होंगे, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हें समय लगे, ये सब होंगे। कैसे होंगे, देखो मेरी बातों को समझो और करने का प्रयास करो। देखो यहां पर क्या है, देखो सबसे पहले एक बात समझो, तुम्हें इस तरह के जब क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में होगा क्या कि दो तरह की चीजें मिलती हैं, दो तरह के प्राणी मिलेंगे। दो तरह के प्राणी कैसे मिलेंगे, पहला एक तो वो मिलेंगे जिनकी दो टांगे हैं, कितनी टांगे हैं, दो टांगे, यानी दो पैर वाले मिलेंगे, दो पैर। अब वो कोई भी पक्षी हो सकता है, ठीक। और जो मिलेगा दूसरा वाला, वो मिलेगा आपको चार पैर वाला। अब आप लोगों को बताएं कि एक किताब है आर एस अग्रवाल, ध्यान होगा आप लोगों को, नंबर सिस्टम में, उस किताब में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शायद 78 नंबर क्वेश्चन है, बहुत पुरानी वाली किताब है एडिशन। उसमें लिखा है, एक स्थान पर कुछ लड़के और कुछ कुत्ते हैं। अब सोचो, लड़कों के कितने पैर हैं, दो, कुत्तों के कितने पैर हैं, चार। तो हमेशा आपको दो प्राणी ऐसे मिल जाएंगे जिनके पैर और पैर जो दिए होंगे वो क्या होंगे, दो होंगे और चार होंगे। वैसे ही इसमें दिया है कि खरगोश है और कबूतर है, और आपको पता है कि जो कबूतर है उनके कितने पैर होते हैं, दो, और खरगोश के कितने पैर होते हैं, चार, ठीक है। अच्छा लिखा है उनके सरों की संख्या 200 है। अच्छा एक चीज तो कन्फर्म है, हमें कन्फर्म ये है कि जब सरों की संख्या 200 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर व्यक्ति सॉरी हर प्राणी का, यानी चाहे खरगोश हो या कबूतर हो, सबका पैर तो सर तो एक ही होगा, यानी एक सर इसका मतलब एक जानवर, 200 सर इसका मतलब 200 जानवर, ठीक। अच्छा टोटल टांगे कितनी है, 580। तो देखो जरा समझो, देखो 200 जानवर हैं यानी 200 सर हैं, तो 200 जानवर हो गए, समझो इसको बहुत ध्यान से, ओरली करना, 200 जानवर हो गए, ठीक। और एक जानवर को पहले हम क्या कर देते हैं, प्रत्येक जानवर को दो दो पैर दे देते हैं, कितने पैर दे देते हैं, दो दो पैर। देखो दो दो पैर दे दिया, दे दिया, जब दो दो पैर दे देंगे तो टोटल कितने पैर बट गए, 400, 400 पैर बट चुके भैया हमारे, चले गए, ठीक। अब जब 400 पैर बट जाएंगे, तो जरा हमको एक बात बताओ कि कबूतर तो हंसते खेलते उड़ जाएंगे, कह देंगे हमको दो दो पैर मिल गए, हम उड़ गए, चले गए। लेकिन एक बात बताओ, अभी खरगोश को केवल कितने पैर मिले हैं, दो ही पैर तो मिले हैं, और टोटल पैर थे कितने हमारे पास, देखो जरा टोटल पैर, देखो हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं, टोटल पैर हमारे पास कितने थे, 580, और हमने बांट कितने दिए, 400, 400 बट गए
तो हमको ये बताओ जरा कितने बच्चे हैं, 180, और ये किस में बांटने हैं? अभी ये बांटने हैं खरगोश में, और जब खरगोश में बांटेंगे तो एक खरगोश को अभी दो पैर देना बाकी है ना। जब एक खरगोश को हम दो पैर देंगे तो बस इतना बताओ हमको कि दो दो पैर जब बांटेंगे तो कितने खरगोशों में बटना बाकी बटेगा? 90। पता चल गया कितने कि 90 खरगोश हो गए। कितने खरगोश हो गए? 90 खरगोश हो गए। कितने खरगोश? 90। अब एक बात बताओ, टोटल 200 जानवर थे, 90 खरगोश हो गए तो बचे कितने? 110। तो यानी कबूतर हमारे कितने हो गए? 110। यानी 110 कबूतर हो गए हमारे पास, 110 कबूतर हो गए, और इसी तरह से हमारा उत्तर भी आ गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं और करते हैं। ये वाला समझ में आ गया? जल्दी से पहले इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुंचा दो, बिल्कुल इतने लोगों तक पहुंचा दो, इतने लोगों तक पहुंचा दो भीड़ लगे दिखने, समझ गए? क्योंकि पहला ही लेक्चर है बेसिक का, अभी चैप्टर वाइज भी शुरू होगा। जब चैप्टर वाइज शुरू होगा अगला लेक्चर तुमको चैप्टर वाइज मिलेगा, ठीक है? यानी नंबर सिस्टम का, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, स्टैटिस्टिक का सब मिलेगा, मेंसुरेशन का सब मिलेगा, एमसीक्यू, ठीक? मजा आ जाएगी एमसीक्यू करने में, लाइव भी होगा। अभी तो ये रिकॉर्डेड है, देख तो लें पहले तुम लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, फिर उसके बाद लाइव भी लेंगे, ठीक? चलो ये हो गया, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है ये, देखो क्या है लिखा है, एक फार्म में जितने पुरुष हैं उतने ही बैल हैं, बहुत बढ़िया। जितने पुरुष हैं उसकी दोगुनी मुर्गियां हैं, बहुत बढ़िया। और जितने बैल हैं उसकी तीन गुना गाय हैं, ठीक है? फार्म में कुल सरों की संख्या 14 है, तब गाय के पैरों की कुल संख्या बताइए। अरे ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक, समझो यहां पर क्या कह रहा हूं, कह रहा गाय के पैरों की संख्या। अरे गाय के पैरों की संख्या तो तब पता चलेगी ना जब हमको ये पता चलेगा कितनी गाय हमारे पास, तो सबसे पहले तो गाय पता करें। तो अब देखो जल्दी से कैसे पता चलेगा, देखो समझो यहां पर, पहले हम लिख लेते हैं पुरुष, पुरुष के लिए पुरुष ही लिख लें, ठीक? पुरुष के लिए पुरुष लिख लें, ठीक है? और क्या है? बैल है, तो भैया बैल लिख लिया, देखो बैल लिख लिया। बैल के बाद क्या है? मुर्गी, 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 तो मुर्गी लिख लिया, ठीक? और उसके बाद क्या है? गाय है, तो गाय भी लिख लो, कोई दिक्कत की समस्या की बात ही नहीं है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत ध्यान से, जहां जहां अभी तक हम x लिख रहे थे, अब हमें x नहीं लिखना, x के बदले एक लिखना है। क्या लिखना है? एक, यानी x के बदले क्या लिखना है? एक, ठीक? देखो क्या कह रहा, एक फार्म में जितने पुरुष हैं उतने ही बैल हैं, तो यानी x ये भी होगा, तो x ये भी होगा, और x लिखना नहीं, x के बदले क्या लिखना? एक, ठीक है? उस और क्या कह रहा है, जितने पुरुष उसकी दुगनी मुर्गियां हैं, तो भैया पुरुष तो अगर एक होंगे, एक अनुपात में मुर्गियां दोगुनी होंगी। और देखो क्या कह रहा, और जितने बैल हैं यानी एक, ये उससे तीन गुना गाय हैं, तो एक का तीन गुना तीन हुआ। और फार्म में कुल सरों की संख्या 14 है, और ये तो जग जाहिर है ना, जग जानता है क्या कि जितने जानवर उतने सर, यानी एक जानवर का एक सर, यानी टोटल 14 जानवर हो गए। अब बांटना ही तो है, बांट डालो, काट डालो, कैसे? देखो 14 जानवर, और देखो 3 2 5 2 7, 7 से डिवाइड कर दिया, कितनी बार गया? 2 बार गया। अब क्या करना है? अब हमें निकालना है गाय के पैरों की संख्या, तो पहले गाय की संख्या निकालो, 3 से गुणा करो, कितना आ गया? 3 2 6, यानी 6 गाय हो गई। और भैया एक गाय के पैर होते हैं 4, तो कितने पैर हो गए? 24। लियो, दिक्कत कहां आ रही? 24 पैर, बी नंबर ऑप्शन, बताओ। इतना आसान प्रश्न है, बउआ वाला है। चलो अगला क्वेश्चन करो, तीसरा देखो, देखो क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 5 छात्र ए बी सी डी और ई उपस्थित हुए, यदि सी को बी से 5 अंक कम मिले और डी को बी से 10 अंक अधिक मिले और ए से 20 अंक कम मिले एवं ई को बी से 22 अंक अधिक मिले हों और बी को कुल 40 अंक मिले हों, तो ए को कितने अंक मिले? अरे बहुत आसान प्रश्न है, देखो जरा हम लिख दे रहे हैं ऐसे ही, पढ़ते पढ़ते हो जाएगा हंसते खेलते। ए बी सी डी, यहां तो हमें लगता है ई की जरूरत है, नहीं पड़ेगी। देखो ए बी सी डी जरूरत ही नहीं है। देखो यहां पर बी को कितने अंक मिल रहे हैं, पहले ये देखो 40, ये देखो बी के पूरे पूरे 40 हो गए। अब बी को कहीं कंपेयर किया, देखो क्या लिखा है, लिखा है सी को बी से 5 अंक कम मिले हैं, सी को, इसका मतलब सी को 35 मिले होंगे भैया, ठीक? फिर क्या लिखा है, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले हैं, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले हैं, बी को, सॉरी डी को बी से 10 अंक अधिक मिले हैं, डी को बी से, यानी डी को कितने मिले होंगे, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले हैं, डी को बी से, तो बी का कितना है 40। तो एक बात बताओ, जब 40 हो गया है भैया, ये 40 है यानी बी के पास, तो डी के पास कितना हो जाएगा, बस ये बताओ, डी के पास हो जाएगा 50। आगे क्या लिखा है, लिखा है और
ए से 20 अंक कम मिले हैं, किसको? डी को, डी को ए से, डी को ए से। देखो रफ करके दोबारा हम लिख रहे हैं यहाँ पे ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको दूसरी इंक से लिख दे ताकि तुम लोगों को परेशानी ना हो। दूसरी इंक कहाँ है? दूसरा इंक हम लेते हैं, कौन सा ले लें? हम एक काम करते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, डी को, इस डी को इन्होंने बी और ए दोनों से जोड़ा है, तो डी को किससे 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 किससे, ए से 20 अंक कम मिले। अब डी को जब बी से, ए से 20 अंक कम मिले हैं, तो इसका मतलब ए को ज्यादा मिले होंगे 20, तो लो यानी ए को कितने मिले हैं? 70। देखो यहां ई का तो काम ही नहीं हुआ, ए के 70 आंसर आ गया। बताओ इतना सरल प्रश्न बना दिया है यूपी 888 वालों ने, बताओ। 2016 में पूछा भी गया था आबकारी वाली परीक्षा में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जल्दी सेशन को शेयर करो, अभी तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, हाँ जल्दी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुंचाओ, कह दो रोहित सर पढ़ा रहे हैं, जल्दी से आए सब लोग, हाँ। चलो अगला देखो, देखो क्या कह रहा है। एक पिता ने अपने पुत्र के जन्मदिवस पर कुछ लड़के लड़के और यहाँ पे होगा और हैं, कुछ लड़के और यहाँ पर क्या होगा, और लड़कियों को बुलाया, ठीक है, लड़के और लड़कियों को बुलाया। बताओ ऐसे क्या गलत लिख देते हैं हम भी, हैं, लड़के और लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से दो कम थी, यानी लड़कों की संख्या लड़कियों से क्या कम थी? दो कम थी। लड़कों की संख्या लड़कियों से दो कम थी। अब समझो यहाँ पर क्या समझना है तुम्हें। कह रहा है एक पिता ने पुत्र के जन्मदिवस पर कुछ लड़के और लड़कियों को बुलाया, और लड़कों की संख्या लड़कियों से दो कम थी। तो एक काम कर लेते हैं ना, देखो लड़कों को यानी बॉय को हम मान लेते हैं X, ठीक है। जब X मानेंगे तो जो गर्ल होंगी, गर्ल गर्ल होंगी, वो क्या होंगी? वो एक्स प्लस टू होंगी। भाई देखो अब मेरी बात समझो, जब कोई किसी से कम होगा तो दूसरा वाला उससे ज्यादा होगा, होगा। कह रहा है पिता ने पुत्र के जन्मदिवस पर कुछ लड़के और लड़कियों को बुलाया, लड़कों की संख्या लड़कियों से दो कम थी, इसका मतलब लड़कियां इनसे दो ज्यादा थी, हो गया, ठीक। अच्छा अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा पिता ने सभी लड़कों को ₹10 और सभी लड़कियों को ₹20 उपहार दिए। देखो ये प्रश्न में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इतना ध्यान रखना, उनका कहने का मतलब है प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, ये है। और भैया प्रश्न में ऐसा ही दिया था 2016 यूपी 888 में, जूनियर इंजीनियर सॉरी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा थी जो, उसमें यही क्वेश्चन था सेम, ठीक है। तो उस पर कंफ्यूज ना होना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना, क्योंकि अगर ₹20 देगा तो ये ऑप्शन आएगा नहीं टोटल, ठीक। तो प्रत्येक की बात हुई है, तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सभी लड़कों को ₹10, तो एक लड़के को X देगा तो 10 लड़कों को क्या दे देगा, 10X दे दिया, ठीक है। एक लड़की को 20 देगा तो X प्लस 2 लड़कियों को कितना रुपया दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, और टोटल मिला के कुल ₹280 खर्चा हुआ है, 280। तो देखो जरा 10x प्लस कितना हो गया, 20x प्लस कितना हो गया, 40 बराबर कितना, 280, ठीक। 10x और 20x को जोड़ दो तो 30x हो जाएगा, 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, भैया बचेगा 240। यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, पूरा चला गया, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हम 8 बार जा रहे हैं, कितनी बार जा रहे हैं, 8 बार, तो x बराबर क्या हो गया, 8। और x हमने किसको माना था, लड़कों को, तो यही तो पूछ रहा है, लड़कों की संख्या बताओ कितना आया, 8, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, पहला लेक्चर है बेसिक का बिल्कुल, तो तुमको करना क्या है, पॉज कर करके देखो और क्वेश्चन को नोट करो कि पुराने क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं हमसे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, देखो समझो सीखो जानो, लोगों को शेयर जरूर करते जाओ। अगला देखो, देखो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी में सेना के कुल 1200 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, 1200 लोग यात्रा कर रहे हैं, जिनमें से कुछ जवान और कुछ कप्तान हैं, प्रत्येक 15 जवानों पर एक कप्तान नियुक्त है, तब बताइए इस समूह में कुल कितने कप्तान हैं, इस समूह में कुल कितने कप्तान हैं, यह तो आपको बताना ही पड़ेगा, है। कोई बात नहीं आया, चलो आ गया होगा, हम भी देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, भाई आना भी जरूरी है, ठीक है। क्या है, देखो मेरी बात समझो, 1200 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं जिसमें से कुछ जवान और कुछ कप्तान हैं, प्रत्येक 15 जवानों पर एक कप्तान है, इसका मतलब एक टुकड़ी में 15 जवान एक कप्तान, यानी टोटल 16 लोग होंगे, ठीक।
अब सोचो जरा, 16 लोग हैं एक टुकड़ी में, 16 लोग और 1200 व्यक्तियां हैं, 1200 व्यक्ति हैं, यानी व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, तो अगर 16 से डिवाइड कर दें तो ये पता चल जाएगा कितनी टुकड़ी, यानी कितनी टुकड़ी है, 75 टुकड़ी है। और जब 75 टुकड़ी है और हर टुकड़ी में एक कप्तान, तो इसका मतलब 75 कप्तान, आंसर आ गया, दिक्कत कहाँ आ गई, 75 आ गया, लियो खत्म हो गया। बताओ, इतने सरल सरल क्वेश्चन हैं। अच्छा, कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे कि अभी तो बस शुरू हुआ है ना, अभी सरल सरल क्वेश्चन, अभी आगे बढ़ने दो, है ना, हम समझ रहे हैं। चलो कमेंट करते जाना, कमेंट भर देना बिल्कुल, ठीक, चलो आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्या आया है, 9 और 63 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतया भज्य हैं परंतु 3 से नहीं। वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको थोड़ा सोच के करो। देखो एक चीज ध्यान रखना, वे सभी संख्याएं, वे सभी, आंसर देखिए आप, आंसर हम हिंदी में लिख रहे हैं, तुम लोग कम से कम देखो तो क्या लिख रहे हैं, कि वे सभी संख्याएं, बहुत ध्यान से समझिए, कंफ्यूजन ना, कन्फ्यूजियाना नहीं, हाँ, वे सभी संख्याएं 3 से, कहाँ से, 3 से पूर्णतया विभाजित होंगी, 3 से पूर्णतया विभाजित होंगी, 3 से पूर्णतया विभाजित होंगी। कौन सी संख्याएं जो 9 से पूर्णतया भाज्य हैं, 9 से पूर्णतया भाज्य है, मतलब पता है क्या हुआ, कि अगर कोई संख्या 9 से कट रही तो भैया कॉमन सेंस यूज करो, 3 से तो जरूर कटेगी, ठीक है, वो 3 से तो जरूर कटेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 9 और 63 के बीच में ऐसी कोई संख्या ही नहीं होगी जो 9 से कटे और 3 से ना कटे, एक और संख्या नहीं होगी भैया, आंसर क्या आएगा, 0, कितना आया, 0, ठीक है। चलो बढ़िया, पॉज कर करके पढ़ो, बेसिक है ये सारे क्वेश्चन, बेसिक्स हैं, अभी चैप्टर शुरू करेंगे तब पढ़ाएंगे लाइव, बात कर करके तुम लोगों से, ठीक। चलो 6 क्वेश्चन हो गए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देखो कितना सरल है, लिखा है एक 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 8 है, बहुत बढ़िया, यदि उस संख्या से 36 घटाया जाए तो इसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं, तब वह संख्या क्या है। देखो प्रश्न को पढ़ो ठीक से, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, प्रश्न को एक बार पढ़ लो, रट डालो, देख लो क्या कह रहा है, और ये प्रश्न देख के ये समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे प्रश्न ऑप्शन से करते हैं, बाय ऑप्शन कैसे। देखो लिखा है एक 2 अंक की संख्या जिसके अंकों का योग 8 है, अब इधर देखो 6 2 8 5 3 8 5 3 8 6 2 8, सबका 8 आ रहा है, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि उस संख्या से 36 घटाएं। अच्छा एक बात बताओ, 26 से 36 घटा सकते हो, नहीं ना, माइनस में जाएगा, तो भैया ये तो कैंसिल ही हो गया। 35 से 36 घटा सकते हो, खत्म, ये भी खत्म हो गया। 53 से 36 घटा सकते हो, है ना, लेकिन जब तुम 53 से 36 घटाओगे, सोचो जरा 13 में जब 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, और 4 इधर बचा, 3 गया तो क्या 17 आया, यही तो आया ना 17। इसका मतलब तो कह रहा है जब घटाते हैं तो इसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं, इसका मतलब 53 को 35 होना चाहिए, तो भैया ये भी नहीं होगा, बचा क्या 62, बाम खत्म, काम खत्म। अब प्रूफ करके देख लो, अब क्या है भैया, प्रूफ करके देख लो, 62 में से तुम 36 घटा लो, 36 घटा लोगे तो स्थान बदल जाएंगे, 26 आ जाएगा, है ना, 26 आएगा, करके देख लो। देखो 62 में से क्या घटा दें, 36, देखो 12 में 6 गया 6, 5 में 3 गया 2, लो बदल गया स्थान, है गया। चलो ये कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए भैया, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, लोगों को पहुंचाओ, जल्दी करो जल्दी, तब आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं हम। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, इतना जबरदस्त प्रश्न है, इतना जबरदस्त प्रश्न है कि अगर ये तुमको नहीं आया तो समझ लो फिर हम बता देंगे, अगर नहीं आया तो ठीक, तो बताना ही पड़ेगा, मजबूरी है। देखो क्या कह रहा, जब एक बस चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे, ठीक, पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़ गए, ठीक, दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री चढ़ गए, वेरी गुड। कह रहा उसके बाद बस में 80 यात्री थे और वह बिना रुके गंतव्य स्थल की ओर पहुंच गई, तो आरंभ में बस में कितने यात्री थे। भैया एक बात समझो मेरी, बहुत ध्यान से समझो, सीखो, जानो, ठीक, इस ऐसे प्रश्नों को उल्टा किया करो, कैसे किया करो, उल्टा। देखो बस में कितने यात्री थे लास्ट में, यहां पे समझो कितने यात्री थे, 80, तो हमने 80 लिख लिया, ठीक, और ये 80 यात्री थे कब, जब एक स्टॉप पर 1/5 उतर गए थे और 40 चढ़ गए थे तब 80 हुए थे, तो पहले तो 40 को हटाओ जो चढ़े थे, उल्टा चल रहे हैं, तो कितने बचेंगे, 40, और ये 40 यात्री कब के हैं, जब 1/5 उतर गए थे,
आपने भिन्न पढ़ी है। जब 1/5 उतर गए इसका मतलब 4/5 शेष होंगे, उसमें होंगे, इसका मतलब 4/5 शेष होंगे, यानी ये वही 40 हैं जो 4/5 शेष थे। तो 4/5 = 40, यानी 4 × 10 = 50, यानी 5×10 = 50, यानी 50 यात्री थे दूसरे स्टॉप पे। और फिर देखो वापस जा रहे हैं क्या, और 35 यात्री बस में चढ़े तो 35 फिर से उतार दो, जैसे जैसे चढ़ता जा रहा भाई कितने बचे, 15। फिर देखो क्या कह रहा कि आधे यात्री उतर गए, यही तो कह रहा बस से आधे, यानी आधे उतर गए तो आधे बचे होंगे और बचे क्या 15, इसका मतलब 15 उतरे थे तो 15 और जुड़ गए, कितने हो गए 30 हो गए, उत्तर आ गया कितना 30, देखो आ गया। अब इसको शांत मन से प्रश्न को करना तब आएगा शांत मन से, और नहीं आए तो कमेंट में बताओ फिर हम बताएंगे तुमको। हाँ हाँ कमेंट में बताना तो बताएंगे, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है, टेलीग्राम चैनल है आप उस पर टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं, बाकी जो हमारी संस्था के विद्यार्थी हैं वो तो हमें मैसेज करके टेलीग्राम पे मैसेज के थ्रू हमसे संपर्क कर ही सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया था, बाकी कमेंट में बता सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ तो सब लोग पूछ सकते हो जो संस्था से संबंधित है और जो नहीं है वो भी, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत आसान है, बहुत आसान, इतने आसान क्वेश्चन है कि आप ये समझो कि ऐसे देखते हुए चुटकियों में कर लोगे। कुछ लोगों को अगर नहीं आ रहा है तो ये ध्यान रखना उनका बेसिक कमजोर है, और हम बेसिक्स की क्लासेस लेंगे, बेसिक्स पढ़ाएंगे जिसमें हम जोड़ना घटाना गुणा भाग सब पढ़ाएंगे, टीटी वाले बच्चों को लेखपाल वाले बच्चों को सबको पढ़ाएंगे, ठीक है, परेशान होने कोई जरूरत नहीं। चलो आगे बढ़ रहे हैं, नवा क्वेश्चन लिखा है, 2 लगातार सम संख्याओं गुणनफल 32-48 है, दोनों संख्याएं बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, कह रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 32-48 है तो दोनों संख्याएं बताएं, बताओ जरा दोनों संख्याएं। देखो इसके लिए दो चीजें आनी चाहिए ओरली करने के लिए, दोनों चीजें क्या आनी चाहिए वो समझो, दो चीजें क्या आनी चाहिए। देखो पहली चीज क्या आनी चाहिए, पहली चीज तो तुम्हें आनी चाहिए उन संख्याओं का स्क्वायर जिनका अंतिम अंक 0 होता है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इनका स्क्वायर, और उनका वर्ग आना चाहिए जिनका लास्ट अंक 5 होता है, जिनका 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 क्या हो लास्ट डिजिट 5, लास्ट अंक यानी लास्ट डिजिट, अंतिम अंक 5 हो, अंतिम अंक 5 हो ये आना चाहिए, अंतिम अंक जिनका 5 हो। कौन कौन सी होंगी वो संख्याएं, वो संख्याएं होंगी 15, ठीक है, और कौन सी होगी 25, कौन सी होगी 35, और कौन सी होगी 45, और कौन सी होगी 55, और कौन सी होगी 65, और कौन सी होगी 75, और कौन सी होगी 85, और कौन सी होगी 95, होगी कि नहीं होगी, होगी, चलो ये भी सही है। हाँ अब एक काम करते हैं, सबका अंतिम अंक 5 है, इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसके लिए ट्रिक होती है, केवल इन्हीं के लिए, क्या ट्रिक होती है देखो समझो, इसको हम दूसरे पेन से कर रहे हैं, दूसरी स्याही से, ताकि तुमको समझ में आए। इंक का कलर हम करते हैं ब्लू, है ना, हमें याद आ गया, कुछ लोग हमारी क्लास में कहते हैं ब्लू, है वही ब्लू से कर रहे हैं, देखो ब्लू ब्लू याद आ गया ब्लू, देखो ब्लू क्या करते हैं, जैसे 25 का निकालना है क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, ठीक, और जो आगे वाला अंक बचा है ये वाला, इसको अगली अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 के बाद क्या आता है आफ्टर 2 3, तो 3×2=6 आंसर आ गया, ठीक। जैसे 45 निकालना है, 5 का 25 और 4 का मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर में आफ्टर 4 5 होता है, 4×5=20 इससे कर देंगे, ठीक है। जैसे 65 निकालना है तो 5 का 25 और 6 के बाद आफ्टर 6 क्या होता है 42 42 यानी 7 ये हो गया। 55 निकालना है, 5 का 25 और 5 का 6 में कितना हो गया 30 देखो आ गया, ठीक। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, होता रहेगा ये तो सब सिखाएंगे। 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 32-48 है, दोनों संख्याएं बताइए। तो देखो 32-48 देखते हैं समझो मेरी बातों को, हमें क्या करना है, क्या समझना है, क्या सीखना है, क्या जानना है। हमें सबसे पहले जानना ये है कि हमें करना ये है कि हमें ऐसी संख्या का स्क्वायर ढूंढना है जीरो वाले में, इसमें जो इसके नजदीक हो, इसके नजदीक, तो इसके नजदीक भैया ये पड़ रहा है क्या 60। देखो कैसे, देखो 60 का स्क्वायर होता है 3600, कितना होता है 3600, ठीक है। अब देखेंगे ये जो मल्टी प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ये इस 3600 से ज्यादा है या कम है, अगर ज्यादा हुआ तो 3600 से
5 बढ़ाकर यानी 65 का स्क्वायर लिख लेंगे, और अगर कम हुआ तो 5 कम यानी किसका 55 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो अब आप चयन करो कि ये जो प्रोडक्ट है ये कम 3600 से ज्यादा है या कम है। तो आप कहोगे ये कम है, और जब कम है तो 5 कम लिखेंगे, और जब 5 कम लिखेंगे इसका मतलब किसका स्क्वायर लिखेंगे 55 का, और 55 का स्क्वायर क्या होता है जरा बताओ 30-25 अभी तो निकाला है ना। अब देखो जरा ये 3248 इन दोनों के बीच में आ रहा, और इन दोनों के बीच में दो ही सम संख्याएं होंगी, पता है कौन कौन सी, 56 और 58। कौन कौन सी होंगी, 56 और 58। उत्तर हमारा क्या आ गया, डी। जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ सब लोग और एक बार चेक कर लो क्या 56-58 करने पर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, देखो जरा 56-58 करने पर ये आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, देख लेना जल्दी से आ रहा है कि नहीं आ रहा, तभी कर पाओगे। ठीक, चलो जल्दी से पॉज करना, समझना, सीखना, जानना, नहीं तो हमको बताना, सब फिर से वापस पढ़ाया जाएगा। ये एक बेसिक ट्रायल है समझो, एक छोटा सा बेसिक टाइप का, ठीक, बाकी सब आराम से पढ़ाएंगे, टेंशन ना लेना कोई लोग। अगला देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न ही है, लेकिन ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ने से पूर्व, करने से पूर्व जल्दी से पहले सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो और मैसेज करते जाओ, कमेंट्स करते जाओ, कारण हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, जिस समय लाइव चल रहा है उस समय हम बैठे देख रहे हैं, समझ गए। चलो देखो, राम की आयु 18 वर्ष है जबकि श्याम राम की आयु का 1/18 है। भैया देखो, एक लड़का है राम, उस राम की आयु है 18 वर्ष, ठीक, और जो एक दूसरा लड़का है उसका नाम है श्याम, और जो श्याम है ये राम की एज का 1/18 है, यानी राम की एज 18 का 1/18 है, तो 18-18 कैंसिल किया गया एक, इसका मतलब पता चल गया राम है 18 साल का और श्याम है 1 साल का। ठीक, अब पढ़ते हैं, कह रहा है जब श्याम की आयु क्या होगी जब राम 61 साल का होगा। अरे भैया, राम जब 61 साल का हो जाएगा तब श्याम की आयु क्या होगी, देखो देखो, समझो, सीखो, जानो, यहां लिख रहे हैं, ध्यान रखना, दो 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 लोगों की, दो लोगों की आयु का अंतर, दो लोगों की आयु का अंतर हमेशा, दो लोगों की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। दो लोगों की आयु का अंतर हमेशा कैसा रहता है, समान। क्यों, अब देखो, राम जो है श्याम, राम श्याम से कितना बड़ा हो गया, देखो 17 साल बड़ा हो गया, हो गया 17 साल, और श्याम राम से कितना छोटा हो गया 17 साल। इसका मतलब क्या हुआ, ए भैया तो कॉमन सेंस है यार, इसका मतलब क्या हुआ कि श्याम राम से हमेशा 17 साल छोटा रहेगा, और जब 17 साल छोटा रहेगा यानी 61 से 17 साल छोटा, तो श्याम कितने का हो गया, 44 का। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आ गया हमारे पास, सॉरी ऑप्शन नंबर आ गया सी, समझ गए आप लोग, कितना आ गया सी यानी 44। ठीक है, चलो तो अगले प्रश्न की ओर तो नहीं बढ़ पाएंगे, क्यों, क्योंकि आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। जल्दी से ठोको लाइक और शेयर करो, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, और कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हो, तुम लोगों को सबको पता है नंबर, तो संस्था में, संस्था का नंबर है, पास ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस नंबर पर संपर्क करो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आ रही हो टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी, तो आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम भी इसी से है, कोई दिक्कत की समस्या की बात नहीं है। और दूसरी बात, सबसे पहले सेशन को लाइक कर देना, सब्सक्राइब, और सेशन खत्म हो गया अब, लोगों तक पहुंचा दो इसको, आग लगा दो बिल्कुल, ताकि अगला सेशन और धमाकेदार हो बिल्कुल। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक, थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं, ठीक है, चलो।